हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और हम लोग प्रीमियम प्लगइन डेवलप कर रहे थे। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग कर लिए थे कि कैसे अपना मेटाबॉक्स सॉरी कैसे अपना कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हो, वो दिखाया था। इस ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा कैसे आप मेटाबॉक्स क्रिएट कर सकते हो। सो मेटाबॉक्स क्रिएट करने के लिए मैं पहले एक एडमिन के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर इनिट डॉट पीएचपी। ओके, सो मैंने पीएचपी ब्लॉक खोल दिया और मैं यहाँ से जो कमेंट टेम्पलेट है मैं कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन एस एम एडमिन मीट। ये हम लोग का जो एडमिन एरिया जब इनिशियलाइज होगा तभी ये फंक्शन ट्रिगर होगा। सो मैं इसको लिख देता हूँ एरिया इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ इनिशियलाइजेशन ऑफ एडमिन एरिया बिफोर क्रिएट मेटाबॉक्स। तो बोल रहे हैं कि हम लोग मेटाबॉक्स क्रिएट करने से पहले एडमिन एरिया को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके अच्छा, तो इसको हम लोग मेन प्लगइन फाइल में जोड़ना होगा। ये होगा एडमिन इनिट। अच्छा, और यहाँ पे इस फंक्शन को हुक करना होगा। हुक का नाम है एडमिन इनिट और यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम देना होगा। ओके अच्छा, अभी हम लोगों को मेटाबॉक्स क्रिएट करना होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे वर्डप्रेस में कैसे मेटाबॉक्स क्रिएट करता है, जो कि मैंने बहुत बार दिखा हूँ, फिर भी मैं कोडेक्स में जाकर दिखा देता हूँ। ऐड मेटाबॉक्स बोल के फंक्शन है, सॉरी ऐड मेटाबॉक्स बोल के ऐड मेटाबॉक्स बोल के जो फंक्शन है उसी के थ्रू आप मेटाबॉक्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये है और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको फंक्शन क्रिएट करना होगा फिर ऐड मेटाबॉक्स। अच्छा, तो हम लोग एडमिन इनिशियलाइज में इसको पहले हुक कर देते हैं। एड मेटाबॉक्सेस और फंक्शन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ एसएम क्रिएट मेटाबॉक्स। इसको मैं कर लिया। अच्छा, यहाँ पे और एक फाइल मैं बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ क्रिएट अंडरस्कोर मेटाबॉक्स डॉट पीएचपी। इसको मैं यहाँ कमेंट टेम्पलेट में लिखता हूँ कि क्रिएट मेटाबॉक्स। ओके, अब यहाँ पे इसका चेंज करता हूँ क्रिएट मेटाबॉक्स और मूवी माई मूवी पोस्ट टाइप।
सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इस फंक्शन को। अच्छा, और इस फाइल को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ से। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना के कर रहा हूँ। इस फाइल का नाम है क्रिएट अंडरस्कोर मेटावर्स। तो इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों को वो फंक्शन डिफाइन करना होगा, फंक्शन डिफाइन करना होगा जिससे आप मेटावर्स क्रिएट कर सकते हो। सो आपको दिखाता हूँ, इस फंक्शन में इतना सारा पैरामीटर है, तो मैं एक एक पैरामीटर डिस्कस करूँगा और यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा कि एक कौन सा पैरामीटर में क्या काम होता है। सो अच्छा, तो आईडी, तो आईडी देना होगा यहाँ पे। आईडी मतलब एक नॉर्मल सा कोई स्ट्रिंग, तो मैं इसका नाम देता हूँ माई मूवी मेटा आईडी। अच्छा, यहाँ पे टाइटल, मेटाबॉक्स का जो टाइटल, मेटाबॉक्स पर टाइटल आप जो मेटाबॉक्स शो करेगा यहाँ पे वो टाइटल देना होगा आपको। सो मैं इसको ट्रांसलेटेबल फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो पहले आपका जो स्ट्रिंग, उसके बाद आपका टेक्स्ट डोमेन। तो मेरा टेक्स्ट डोमेन क्या था, हालांकि मैंने रजिस्टर नहीं किया, टेक्स्ट में डिफाइन किया, ये मैं बाद में, बाद आने वाली ट्यूटोरियल में इसको ट्रांसलेट भी करूँगा। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सॉरी ये तो टेक्स्ट डोमेन है, टेक्स्ट डोमेन होगा सेकंड पैरामीटर, और यहाँ पे जो प्रिंट करना चाहते हो। सो मैं लिखता हूँ मूवी डिटेल्स। ओके, अच्छा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी मेटाबॉक्स के अंदर जो भी प्रिंट होगा वो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू होगा। सो इसका मैं फंक्शन का नाम देता हूँ माई मूवी मेटा कॉल बैक। ओके, अच्छा स्क्रीन, कौन सा स्क्रीन में होगा, मतलब कौन सा पोस्ट टाइप में होगा, तो पोस्ट टाइप का नाम है माई मूवी। तो इसको ब्रैकेट करना होगा, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, मतलब आप कहाँ शो करना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट विद इन द स्क्रीन, कहाँ पे आप शो करना चाहते हो। सो मैं चाहता हूँ नॉर्मल, नॉर्मल साइड एडवांस, तो मैं नॉर्मल ही चाहता हूँ। और यहाँ पे डिफॉल्ट क्या क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब हाई ऊपर होगा या नीचे होगा, इसको प्रायोरिटी होगा, तो मैं इसको लो करता हूँ, यानी डिफॉल्ट ही रखता हूँ जो नॉर्मल है। चलो डिफॉल्ट है, इसको मैं काट देता हूँ, ये पैरामीटर जरूरत नहीं है अभी, ये होगा। तो अभी हम लोगों को ये कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करना होगा, क्योंकि इसके थ्रू प्रिंट होगा ना। सब इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ माय मूवी ऑप्शन ऑप्शंस डॉट पी एच पी, और
क्रिएट कर लिया और यहाँ पे जाके इसको भी मैंने ऐड कर दिया। ओके और यहाँ पे मैं कॉलबैक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो मैं यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ इस टेम्पलेट को, उसके बाद इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में जो भी प्रिंट होगा वो इस कॉलबैक फंक्शन मेटा बॉक्स में जो भी प्रिंट होगा वो इस कॉलबैक फंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा फंक्शन। अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह के दिखा देता हूँ कि मेटा बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ आपको, ये मान लो मेरा स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैं जाऊँगा बैकएंड में, जाके मैं चेक करूँगा काम कर रहा है कि नहीं। अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर पर क्रिएट मेटा बॉक्स चला ये टी। तो ये हो गया मेरा मेटा बॉक्स। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो मान लो आप वर्डप्रेस पे अगर फोर्स करना चाहते हो कि ये मेटा बॉक्स सिर्फ क्रिएट होगा आपका जो माई मूवी बोल के जो मेरा पोस्ट टाइप है यहाँ पे उसी पोस्ट टाइप में होगा, तो यहाँ पे तो आप डिफाइन कर दोगे तो वो होगा। और एक भी तरीका है, मतलब और एक भी बहुत सिक्योर तरीका है कि इसी कस्टम पोस्ट टाइप में मेटा बॉक्स होगा। तो उसके लिए जहाँ पे आप क्रिएट मेटा बॉक्स फंक्शन आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आपको अंडरस्कोर्स देके फिर आप इसका मेटा बॉक्स का नाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं बैकएंड में एक बार इसको रिलोड करता हूँ। तो ऐड न्यू में जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा मेटा बॉक्स आ गया। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेटा बॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक कर लिया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस मेटा बॉक्स में ऑप्शन फिल क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं।